कई टैक्स पेयर खासतौर पर घर के खरीदार सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि उन्हें कम टीडीएस जमा करने को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है। इन होम बायर्स से कहा जा रहा है कि वे बचा हुआ टीडीएस ब्याज समेत भी जमा करें, जो उनके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी की वैल्यू का तकरीबन 20% है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो घर के खरीदारों को 1% टीडीएस देना पड़ता है। पैन नंबर नहीं रहने पर टीडीएस 20% हो जाता है। साथ ही अगर पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया गया है तो पैन ऑपरेटिव नहीं रह जाता है। दरअसल कई होम बायर्स ने अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया था और उन्हें नोटिस मिल रहा है। टैक्स कंसल्टेंसी आरएसएम इंडिया के फाउंडर सुरेश सुराना ने बताया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 1994A के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी की कीमत या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो होम बायर्स को सेलर्स के भुगतान पे 1% टैक्स काटना होगा। अगर प्रॉपर्टी 75 लाख रुपए की है तो होम बायर्स को 1% यानी 75,000 रुपए काटकर बाकी 74.25 लाख रुपए का पेमेंट सेलर को करना होगा। घर के खरीदार को ये रकम इनकम टैक्स विभाग को 30 दिनों के भीतर रकम जमा करानी होती है। सेलर रिटर्न फाइल करते समय ये रकम अपनी इनकम टैक्स देनदारी में एडजस्ट कर सकता है। पैन और आधार लिंक नहीं होने पर टीडीएस, नियमों के मुताबिक पैन कार्ड नहीं रहने पर ज्यादा टीडीएस काटा जाना चाहिए। सुराना ने बताया, अगर प्रॉपर्टी के सेलर ने पैन नहीं दिया है या होम बायर्स को 20% की दर से ज्यादा टैक्स काटा जाएगा। इसके अलावा सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी शख्स ने 30 जून 2023 तक अपना आधार और पैन नहीं लिंक किया है तो 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में ऊंची दरों पर टीडीएस काटने का नियम लगेगा। अगर खरीदार ने नोटिस जारी करने से पहले 1% टीडीएस काटा है और बाकी 99% रकम का पेमेंट सेलर को कर दिया है तो क्या होगा? इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक टीडीएस नियमों का पालन नहीं करने पर सेलर के बजाय होम बायर को ही पेनल्टी और ब्याज दर का भुगतान करना होगा। सुराना ने बताया, सेलर का पैन नंबर आधार से लिंक किया गया है या नहीं ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होम बायर की है। अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहता है और कम टीडीएस काटता है तो इसके लिए बायर ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा, जो होम बायर 20% की दर से टैक्स नहीं काट पाए और अगर उन्हें नोटिस मिला है तो बाकी रकम उन्हें जमा करनी होगी। साथ ही टीडीएस की बकाया रकम पर 1% प्रति महीने की दर से ब्याज भी लगेगा। हालांकि होम बायर्स अतिरिक्त 19% टीडीएस की मांग सेलर से कर सकते हैं। होम बायर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको सेलर का पैन नंबर ऑनलाइन चेक करना चाहिए। जब आप सेलर का नाम, जन्म की तारीख और मोबाइल चेक करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए सेलर के मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने पर वेबसाइट के जरिए पता चल जाएगा कि पैन नंबर एक्टिव है या नहीं। इसके अलावा अगर आप होम बायर हैं, सही टीडीएस नहीं काटने के सिलसिले में आपको नोटिस मिला है और आप ये साबित कर सकते हैं कि आपको ज्यादा टीडीएस काटने के नियम के बारे में मालूम नहीं था, तो आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में अपील भी कर सकते हैं।